कौन है तू? स्कूल जाने के बजाय यहाँ चाय देने का काम क्यों कर रहा है? बेचारा गूंगा है साहब और सुन भी नहीं सकता। मैं बोल सकता है साहब? आपका भाषण सुना है मैं रेडियो पर साहब। मैं इधर चाय बेचने को नहीं आया, कंप्लेंट लिखाने को आया है साहब। कंप्लेंट किसके खिलाफ बता मुझे। मेरा बाबा गुरु के पास ड्राइवर था साहब, उसने उनको मार डाला। एक दिन मैं उनसे मिलने गया था, वो मेरे को साइकिल लेके देने वाले थे। वहां जाके मैं देखा कि गुरु के आदमी लोग किसी आदमी को चाकू मार रहे थे। मेरा नसीब फूटा था कि उन्होंने मुझे वहां देख लिया, लेकिन मेरे बाबा ने हाथ पर जोड़कर वो टाइम मेरे को बचा लिया। बहुत डर लग रहा है बाबा। मैं संभालूंगा। बाबू के छोकरे ने देख लिया। लाए खत्म कर दे। चल रहा साइकिल मंग करने तेरे को, चला जा। बाबा बाबा वो लोग मुझे समझ के भैया को लेके चले गए। ए रुको रुको बेटा। बाबा उनके पीछे भाई को बचाने को गए, लेकिन भाई के साथ साथ वो लोग बाबा को भी मार दिए। मैंने सुना उसका एक और छोकरा है। सही सुना, लेकिन बोल नहीं पाएगा भाई, वो गूंगा और बहरा है। तब से मैं अपने भाई की तरह गूंगा और बहरा होने का नाटक करता है साहब। तू अकेले गूंगा होने का नाटक नहीं कर रहा था, ये पूरा शहर ही गूंगा है। आज तूने अपनी जुबान खोली है, कल ये पूरा शहर बोलने लगेगा। अपने पिता के कातिल को पहचान सकता है? बहुत अच्छे से साहब। तो आ। कल रेडियो पे भाषण सुना मैं इसका, मैंने सोचा बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, लेकिन दम है इसमें। ये है पुलिस का पावर, इसकी माँ की परवरिश पर अपन को बड़ा नाज है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पुलिस का काम है, वो अपना काम ही करेंगे, तो इसमें उनकी तारीफ करने की क्या जरूरत। आपको मालूम नहीं है मैडम, ये लोग सब पहुंचे हुए गुंडे हैं, अब जाके कोई इनका मुकाबला करेगा। पूरा शहर इनसे डर डर के जीता है मैडम, भगवान ने इसीलिए एक असली मर्द को यहाँ पे भेजा है। ए, तू वहीं रुक जा। माँ 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 सॉरी माँ। मैंने कहा ना वहाँ रुक। अचानक जरूरी काम आ गया माँ, एक गुंडे को अरेस्ट करना था, इसीलिए आपको पिकअप करने नहीं आ पाया। अंदर नहीं आना तू, रुक वहीं रुक। पीछे पीछे। ये सब क्या है माँ? सारा शहर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है। तुमने सुना? मैंने देखा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, बस किसी को छोड़ना मत, हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलना। अदालत
रामनगर में लाठी चार्ज करना पड़ा सर, इसलिए करना पड़ा। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थी, इसलिए करना पड़ा सर। ठीक है, ओवर एंड आउट। पूरा एरिया सील करके नाकाबंदी लगा दो। ओके श्रीनिवासन, तुम निकलो जल्दी। यस सर। एक्सक्यूज मी, आप ही श्रीनिवासन है? जी कहिए। सर, मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया और क्यों बुलाया वो मुझे अभी तक नहीं पता। श्रीनिवासन, तुम्हें क्या काम दिया है? तो टाइम पास क्या कर रहे हो? सॉरी सर। सर सर दो साल में ना कभी फोन उठाया मेरा, ना कभी मुझे कॉल किया। समझता क्या है अपने आप को? बुलाकर बस बिठा दिया है। क्या है? क्या गुटर को कर रही हो? तो सही तो बोला मैंने, तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझसे आइटम सॉन्ग की मांग करते हैं और मैं जुदाई के गाने सुनाती थी। और तो और सीटी मारना तक भूल गई हूँ मैं, सिर्फ हवा निकलती है। उन दिनों में मिली सारी खुशियाँ सब अपने साथ लेकर चले गए तुम। बहुत मायूस हो गई थी मैं जब रेडियो स्टेशन आए थे ना, तुम्हारे लिए माइक सेट मैंने किया था, मगर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। देखा था, डार्क ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, ऊपर एक डेनिम शर्ट, बाल खुले छोड़े थे, और जो हेयर बैंड तुम अपनी कलाई पर लगाती हो वो क्यूट वाला, वो उस दिन नहीं था। इतना सब देखा तुमने कैसे? पुलिस वाला होना, सर के पीछे भी आंखें हैं। सर, मैडम को पिला। ये मेरे लिए मंगवाई तुमने? तुम्हें याद है अभी भी कि ब्लैक कॉफी पसंद है मुझे? क्या तुम जानती हो, ट्रेनिंग के दौरान जब सीटी बजती या पेड़ पर बैठी कोयल गाती, यहाँ तक कि कुकर की सीटी भी तुम्हारी ही याद दिलाती थी। वैसे जब हम आखिरी बार मिले थे तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी, कह दो। ये सब भी याद है तुम्हें? पूरे दो साल बाद भी? पूरे दो साल, तीन महीने और आठ दिन, आज का दिन मिलाकर। कैसे? वो सब भूल जाओ, पहले कहो जो कहना है। वो रेडियो पे दो लफ्जों की बात को दो घंटे तक खींच सकती हूँ, पर आज वो दो लफ्ज आके गले तक अटक गए हैं। ओए, आज तक दूसरों के लिए गाना बजाती आ रही हूँ मैं, लेकिन आज मेरे दिल के रेडियो में जो गाना बज रहा है ना, वो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं सुन पाएगा। ओके बाय। रहीम सर, कैसे हैं? अरसे बाद देखे। मुझे डीन रॉबर्ट सर से मिलना था। क्या रॉबर्ट सर? उनकी तो एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनकी मौत हो गई? अरे हाँ सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पानी के साथ सच निगलने की कोशिश मत कीजिए। इस हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का मतलब जानता हूं मैं। तुम तो सब जानते हो ना, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये कोट उतार कर खाकी पहनना सबके बस की बात नहीं है सर, और मुझे अपना परिवार प्यारा है। एक किलो टमाटर दे दो और आधा किलो मुझे प्याज भी दे दे। आप यहाँ? हाँ सब ठीक ना? हम ठीक है। हाँ बस क्या। और एक किलो आलू। नमस्ते माँ जी। हाँ, अच्छा वाला। हाँ, मेरा नाम गुरु है। कैसा परवरिश दिया आपने बेटे को? गलती बार गलती कर रहा है, उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता, बच गया। अगर फिर से मेरे रास्ते में आया ना, तो उसका सर काट के किसी गटर में बहा देगा मैं। आखिरकार तू मुझसे टकरा ही गया। जानता है सत्या के पिताजी उसे एक बेहतरीन डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे उसे पुलिस की वर्दी में देखना था। उस दिन जब तूने उसे मारा, तब उसकी पोशाक अलग थी और शिक्षा भी, लेकिन आज उसका जमीर खाकी और शिक्षा देशभक्ति है। अधर्म के रास्ते पर चलने वालों की टांगे तोड़ देने की परवरिश दी है मैंने उसे। पता है मैंने उसका नाम सत्या क्यों रखा? ताकि वो सच के लिए मरते दम तक लड़े। उसने तेरे एक आदमी को अंदर क्या किया? तू यहां मेरे सामने गिड़गिड़ाने आ गया? एक बार गोली बंदूक से बाहर निकल जाती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है तेरे, अपना ध्यान रखना। चल मेरा बैग दे, चल हट यहां से। फुल टू शेयर नहीं जैसी है इसकी मां।
अब अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देखेगी।